इस मूवी की शुरुआत में कुछ लोग एक बस्ती पर कब्जा करने का प्लान कर रहे थे। फिर उसमें से एक आदमी को उस बस्ती पर कब्जा करने के लिए भेजा जाता है। वो वहाँ जाकर भाईजान भाईजान करने लगता है। तभी वहाँ तीन व्यक्ति आ जाते हैं और वो भाईजान को बुलाते हैं। फिर एंट्री होती है सलमान खान भाईजान की। वो वहाँ आते हैं और सभी को समझाने लगते हैं, लेकिन वो सब नहीं मानते हैं। फिर क्या, सलमान खान उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। इस फिल्म में सलमान खान और उनके तीन भाइयों की कहानी के बारे में बताया गया है। वे सभी फैसला करते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन सलमान खान के तीनों भाई शादी करना चाहते हैं। वे तीनों अपने चाचा को यह बात बताते हैं, लेकिन उनका चाचा उन तीनों को समझा देते हैं कि इस बात का पता तुम्हारे भाई को नहीं चलना चाहिए। फिर वो तीनों भाई की गर्लफ्रेंड उनके चाचा के पास आते हैं और चाचा को समझाने लगते हैं कि वो सलमान खान से बात करे। फिर चाचा और वो तीनों भाई प्लान बनाते हैं कि सलमान खान के पहले किसी लड़की से प्यार करते थे, उस लड़की को भाईजान से मिलाने का सोचते हैं और वो तीनों उस लड़की से मिलने जाते हैं। वह तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जिस लड़की से भाईजान प्यार करते थे उसकी शादी हो चुकी है। वो तीनों निराश होकर वापिस आ जाते हैं। फिर चाचा सलमान खान से शादी के बारे में बात करते हैं। फिर एंट्री होती है हीरोइन की। वो तीनों भाई उस लड़की को अपने भाई से मिलाना चाहते हैं और उस लड़की को अपने घर पर कमरा किराए पर दे देते हैं। धीरे धीरे सलमान खान उस लड़की को पसंद करने लगते हैं। जब वह दोनों घूमने जाते हैं वहाँ पर फिर वो गुंडे आ जाते हैं। फिर सलमान खान उस लड़की को बचाते हैं। फिर तीनों भाई की गर्लफ्रेंड उस लड़की से बात करती है और सलमान खान से हीरोइन को बात करने के लिए बोलती है। फिर सलमान खान से बात करती है और तीनों भाई और उनके गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं और सलमान खान उन तीनों की शादी और अपनी शादी के लिए भी राजी हो जाते हैं। फिर हीरोइन अपने भाई को सलमान खान के बारे में बताती है और हीरोइन का भाई सलमान खान को मिलने के लिए बुलाता है। जब सलमान खान और हीरोइन ट्रेन से हैदराबाद के लिए रवाना होते हैं तभी फिर से वो गुंडे आ जाते हैं और सलमान खान पर हमला कर देते हैं। सलमान खान उन सभी को मारते हैं और जो हमला करा रहा होता है उसको पकड़ लेते हैं और पूछता है कि तुम ये हमला क्यों करा रहे हो। तब वह बोलता है कि ये हमला आप पर नहीं कर रहे हैं, हमें तो इस हीरोइन को मारने की सुपारी मिली है। वो बोलता है कि ये सारे अटैक महावीर करा रहा है, वो भी किसी और के कहने पर। फिर वह बोलता है कि इस पर हमला हैदराबाद का नागेश्वर करा रहा है। नागेश्वर हैदराबाद का गुंडा है। नागेश्वर का इसके भाई के साथ जबरदस्त दुश्मनी है। वो इसके पूरे परिवार को मारना चाहता है। सलमान खान और उनके भाई हैदराबाद हीरोइन के भाई से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो सब खाना खाते हैं तभी महावीर सभी बात नागेश्वर को बता देता है। तभी सलमान खान नागेश्वर से मिलने के लिए आ जाता है और नागेश्वर से दुश्मनी खत्म करने की बात करता है। फिर नागेश्वर बोलता है कि वो मेरे पिताजी के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए उसका बदला ले रहा हूँ। नागेश्वर सलमान खान से बोलता है कि तुम उसे कहो कि वो मेरे पास आकर मेरे पैर पकड़कर माफी मांगे, फिर मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर सलमान खान वहाँ से आ जाता है। फिर नागेश्वर के गुंडे हीरोइन के भाई को मारने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। फिर सलमान खान उन्हें मारकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर नागेश्वर का भाई अपने सारे गनमैन के साथ हीरोइन के भाई को मारने के लिए अटैक कर देता है, लेकिन वह सब वहाँ आते हैं तो वहाँ घर पर कोई नहीं होता है। सलमान खान हीरोइन के सारी फैमिली को लेकर दिल्ली आ जाता है। नागेश्वर हीरोइन की फैमिली को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दिल्ली तक आ जाता है और फिर से अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार सलमान खान उन्हें जान से मार देता है।